अजीज तलबा फाउंडेशन ऑनलाइन के, के मुताबिक करें अगर हमारी आइंदा तो आने वाली तलीकुम बच्चो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बच्चों ऑनलाइन स्कूल ऐसी आप मुकमल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बरतम और दहम बेहतर तौर तो पर पास कर सकते हैं आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मजीद तालीम हासिल करें वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें रोज़ाना एक से दो घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदे के अखराजात में बचत कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूल की कोई फीस नहीं है आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे हर मज़मून की मकम्मल तलीज़ मौजूद हैं

अच्छा बच्चों ये नीचे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें आपको ये दिख रहा है कि एक जो बच्चा है वो साइकिल से गिरा है और उसको कुछ चोटें आई हुई हैं ठीक है जबकि जो दूसरा बच्चा है वो उससे क्या पूछ रहा है आर यू हर्ट क्या आपको चोट लगी है क्या आप जख्मी हुए हैं और उसकी हेल्प कर रहा है ठीक है तो ये जो पिक्चर है ये हमें क्या मैसेज देती है ये पिक्चर हमें ये मैसेज दे रही है कि हमें भी इसी तरह से हर बंदे की हेल्प करनी चाहिए ठीक है इस तरह से हमें भी हर बंदे की मदद करनी चाहिए ठीक है जैसे अगर कोई एजड uh, मतलब कोई अगर बुजुर्ग है तो उसको रोड क्रॉस कर uh, करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर कोई गिरा है किसी को चोट लगी है तो उसको उठने में आप उसकी मदद कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से हम हर बंदे की मदद कर सकते हैं ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर फिफ्टी एट अच्छा इसमें है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग ये यहाँ पे पिक्चर है और इसको हमने बताना है कि इसमें क्या हो रहा है तो बच्चों आप ये देखें कि ये जो है ये बॉय ये ज़ख़्मी है ठीक है इसकी देखें एक जो इसका पाँव है वो ज़ख्मी है और इसके सर में भी पट्टी लगी है ठीक है जबकि ये जो फ़ीमेल है फीमेल नर्स है ये इसकी हेल्प करने की इसकी हेल्प कर रही है ठीक है लेट मी हेल्प यू ये कह भी रही है कि मुझे अपनी आपकी मदद करने दें ठीक है अब ये किस तरह से हेल्प कर रही है कि ये जो इसका जो पाँव पे जख्म आया है ठीक है या पाँव पे जो फ्रैक्चर हुआ है या लगी है जो भी हुआ है ठीक uh, है, है ये उसकी ड्रेसिंग कर रही है ठीक है ये उसकी क्या कर रही है ये उसकी ड्रेसिंग कर रही है ठीक है तो जिस तरह से ये लोग मदद करते हैं ठीक है इस तरह से हमें भी मदद करनी चाहिए इसमें क्या होगा हो कि द गर्ल इज़ हेल्पिंग द बॉय हु इज़ इंजर्ड ठीक है ये जो लड़की है ये उस इस लड़की की मदद करिए जो कि ज़ख़्मी है इंजर्ड का क्या मतलब होता है ज़ख्मी है शी इज़ ड्रेसिंग हिज इंजर्ड फुट शी इज़ ड्रेसिंग his इंजर्ड फुट आप ये भी लिख सकते हैं है, आप लिख सकते हैं कि द गर्ल इज़ ड्रेसिंग boy's injured इंजर्ड फुट ठीक है कि जो लड़की है वो क्या करिए लड़के की जख्मी जो टांग है आ, उस पर क्या करिए ड्रेसिंग करिए ठीक है, है आप इसका यह भी लिख सकते हैं द गर्ल इज गर्ल इज ड्रेसिंग हिज इंजर्ड injured foot ठीक है कि जो लड़की है उसके जख्मी पांव की क्या कर रही है मरहम पट्टी कर रही है ठीक है Injured का क्या मतलब होता है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ I N J U R E D Injured का मतलब होता है जख्मी ठीक है Injured का क्या मतलब होता है जख्मी तो समझ आ गई है इसकी लेट्स टॉक गिवन डायलॉग ठीक है यहाँ पे हमें डायलॉग दिया हमने इसको रीड भी करना और प्रैक्टिस करनी है एल टीचर देयर वॉज अ पर्सन हुआ एक आदमी था जो देख नहीं सकता था आई हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड और मैंने उसको सड़क करने में या सड़क पार करने में उसकी मदद की टीचर ओह दैट्स ग्रेट ये बहुत अच्छी बात है देयर आर पीपल कुछ लोग होते हैं हो हु कैंट हेयर जो सुन नहीं सकते हु हैव नो लेग्स जिनकी टांगे नहीं होती और आर्म्स uh, और जिनके बाजू नहीं होते वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर नेचुरल एबिलिटीज वी हैव ठीक है हमारे पास जो कुदरती सलाहियतें हैं ठीक है हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए ग्रेटफुल का क्या मतलब होता है शुक्रगुजार ठीक है और उसके अलावा क्या है ये वर्ड नेचुरल एबिलिटीज़ ठीक है जो हमारे पास कुदरती सलाहियतें ठीक है जैसे हम हमारे पास आंखें हैं जिनसे हम देख सकते हैं कान है जिससे हम सुन सकते हैं ठीक है ज़ुबान है हम उससे बोलते हैं अली एलिजियस हाँ एंड वी शुड हेल्प सच पीपल और हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए ठीक है मतलब जो लोग डिसेबल्ड होते हैं ठीक है जिनमें ये अक्सर जो कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये नेचुरल एबिलिटीज़ नहीं होती तो हमें ऐसे लोगों की क्या करनी चाहिए हेल्प करनी चाहिए ओके नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर फिफ्टी नाइन सो द टाइटल इज़ द डे ऑफ साइलेंस ठीक है खामोशी का दिन ठीक है जैसे हम पहले भी ये टाइटल पढ़ चुके हैं द डे ऑफ साइलेंस प्री रीडिंग में क्या लुक एट द टाइटल ऑफ़ द स्टोरी इन द पिक्चर नेक्स्ट वीक ठीक है सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है इसके टाइटल की तरफ देखें टाइटल है द डे ऑफ साइलेंस और फिर इस पिक्चर की तरफ देखें तो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ये एक, 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 एक बॉय है ठीक है ये इसकी मदर है और ये इसके फादर हैं ठीक है उसके बाद है कि वट डू यू थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट आप क्या सोचते हैं कि स्टोरी किस बारे में है तो बच्चों टाइटल को देख के उस पिक्चर को देख के हमें पता चला है कि ये स्टोरी किस बारे में है उसके अलावा ये भी पिक्चर है एयर प्लग्स ठीक है तो ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है हेयरिंग ठीक है सुनने के बारे में है तो इसका हम लिखेंगे कि द टाइटल एंड स्टोरी टेल्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेयरिंग ठीक है द टाइटल एंड स्टोरी टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हेयरिंग अच्छा सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग करूँगी rizwan lived in a small village. his parents loved him dearly. he actively took a part in sports. everyone in the village liked him for his good manners. rizwan could not hear since birth. when he turned three, a doctor advised his parents to help rizwan learn sign language. language. This uh, thus rizwan learned sign language uh, in a few weeks. now he was very happy because he was able to communicate um, with his parents. Uh, his parents took extra care of their own only child. Uh, they always held on to his hand whenever they went out. Other villagers also treated him as a special child. This made Rizwan feel unhappy. His close friend Mumtaz noticed Rizwan's unrest. He decided to set the things right. He requested his father to arrange a festival in honor of uh, people who could not hear. During what whole day? Mm, uh, during that whole day, everyone in the town uh, would be would have to wear earplugs. Now move to the page number sixty. Uh, people liked the idea. The day became uh, known as the Day of uh, Silence. When it arrived, uh, everyone stuck plugs in their uh, ears. That day was filled with fun games and laughter. As the hours passed, people knew how different life uh, was when they uh, could not hear anything. Yet Rizwan um, could. Uh, everything that little boys did the only difference was that uh the uh, was that he could only talk through sign language on the day of silence rizwan uh, won many uh, uh game, games that day people realized that he should be treated just like uh, any other little boy okay everyone has some special talent and should be given an equal chance okay बच्चों ये जो मैंने इसकी रीडिंग की इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टोरी में हमें क्या बताया जा रहा है ठीक है ये जो स्टोरी है ये एक आँ... एक बॉय से रिलेटेड है एक लड़के के बारे में जिसका नाम रिजवान था ठीक है और वो बचपन से ही आ, सुन नहीं सकता था ठीक है फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उस उन्हें उन्होंने उसको साइन लैंग्वेज सिखाई ठीक है जिससे वो जिसके बाद वो सीखने के बाद वो अपने वालदे से कम्युनिकेट कर सकता था बात कर सकता था ठीक है और वो अपने वालदे का इकलौता बेटा था और उसके वालदेन उसे बहुत प्यार करते थे और गाँव के जो बाकी लोग थे वो भी रिजवान से बेहद प्यार करते थे लेकिन रिजवान इस चीज़ से खुश था कि वो जो एज आ स्पेशल चाइल्ड ट्रीट करते हैं ठीक है फिर उसका जो दोस्त है रिजवान का जो दोस्त था मुमताज़ उसने रिजवान के लिए उसने और उसके फादर ने मिलकर रिजवान के लिए एक रिजवान और बाकी इस तरह के जितने भी लोग थे उनके लिए एक फेस्टिवल अरेंज किया ठीक है जिसमें लोगों ने अपने कानों में एयर प्लग डाले थे ठीक है और उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि जो लोग सुन नहीं सकते उनकी ज़िंदगी कितनी मुख्तल होती है ठीक है उसके बाद उस जो फेस्टिवल में रिजवान ने बहुत Uh, ज़्यादा कंपटीशन uh, और गेम्स को जीता ठीक है और उस दिन के बाद से रिजवान को भी आम लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाने लगा ठीक है तो इस स्टोरी की आपको समझ आ गई है चले अब इसके वर्ड्स मीनिंग्स करते हैं ठीक है अच्छा फर्स्ट है हमारे पास रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज ठीक है लिव मतलब रहता था ठीक है हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली ठीक है उसके वालदेन उससे क्या करते थे बेहद प्यार करते ठीक है उसके बाद है ही एक्टिवली टुक पार्ट्स इन स्पोर्ट्स एवरी वन इन दिलेज लाइक अच्छा गुड मैनर्स का क्या मतलब होता है अच्छे इखलाक ठीक है गुड मैनर्स एम ए डब्ल्यू गुड मैनर्स का मतलब होता है अच्छे इखलाक ठीक है अच्छा उसके बाद क्या है रिज़वान कुड नॉट हियर सिंस बर्थ हियर का क्या मतलब है कि सुनना वो पैदाइश से ही सुन नहीं सकता था व्हेन ही टर्न्ड थी अ डॉक्टर एडवाइस्ड हिज पेरेंट्स टू हेल्प रिज़वान लर्न साइन लैंग्वेज अच्छा एडवाइस्ड का क्या मतलब होता है नसीहत की ठीक है एडवाइस मतलब नसीहत की नसीहत की अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है uh, हाँ साइन लैंग्वेज क्या होती है बच्चों इशारों की जुबान होती है ठीक है साइन लैंग्वेज हमारे पास क्या मीनिंग है एल ए एन जी यू ए जी साइन लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि इशारों की जुबान ठीक है इशारों की जुबान अच्छा उसके बाद है आ, हाँ

का क्या मतलब होता है थाम में रखना और विलेजेज आल्सो ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी ही इज क्लोज फ्रेंड मुमताज़ नोटिस्ड रिजवान अनरेस्ट अनरेस्ट का क्या मतलब होता है बेचैनी ठीक है अनरेस्ट का क्या मतलब है बेचैनी बेचैनी अच्छा उसके बाद क्या ही डिसाइडेड टू सेट द थिंग्स राइट ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू अरेंज अ फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ पीपल फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार ठीक है फेस्टिवल त्यौहार ऑनर एच ओ एन ओ यू आर ऑनर का मतलब होता है एजाज ठीक है अच्छा उसके बाद क्या है ड्यूरिंग दैट होल डे एवरी वन इन द टाउन वुड हैव टू वियर वियर प्लग्स का क्या मतलब होता है पहनना और ये एयर प्लग आपको नजर आ रहे हैं ठीक है ना लेट्स मूव टू देज नंबर सिक्सटी अच्छा वियर का क्या मतलब होता है पहनना ठीक है people liked the idea that day became known as the day of silence when it arrived everyone stuck plugs in their um ear stuck का क्या मतलब बता डालना या ठोसना ठीक है या चिपकाना चिपकना ठीक है different meanings होते हैं ठीक है ठीक है दैट डे वॉज फिल्ड विद फन गेम्ज एंड लॉफ्टर लॉफ्टर का क्या मतलब होता है कहके एज द अवर्स पास पीपल न्यू हाउ डिफरेंट लाइफ वॉज बेन दे कुड नॉट हियर एवरी थिंगट इज़ वन कुड डू एवरी थिंग दैट लिटल बॉयज डिफरेंस वॉज दैट ही कुड ओनली टॉक थ्रू साइन लैंगवेज ऑन द डेन्स इज वन मेनी गेम्स द डे पीपल रियलाइज दैट ही शुड बी ट्रीटिड जस्ट लाइक एनी अदर लिटल बॉयज रियलाइज का क्या मतलब होता है महसूस किया ठीक है रियलाइज्ड रियलाइज मतलब महसूस किया या महसूस की ठीक है दैट ही शुड little ट्रीटेड एनी has some स्पेशल टैलेंट एंड शुड be गिवन एन इक्वल चांस इक्वल मतलब बराबर चांस मौका ठीक है ये हो गए जी इसके वर्ड्स मीनिंग अब इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे ठीक है रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज रिजवान एक छोटे गांव में रहता था हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली उसके वालदेन उसे बेहद मोहब्बत करते थे ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स ठीक है वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता एवरी वन इन दिलेज लाइट हिम फॉर हिज गुड मेनस ठीक है कि गाँव में हर कोई अच्छे उसके अच्छे अखिला की वजह से उसे पसंद करता था रिजवान कुड नॉट हेयर सिंस बर्थ ठीक है रिजवान पैदाइश से ही सुन नहीं सकता था वेन ही टर्न थ्री जब वो तीन साल का हुआ आ डॉक्टर एडवाइज हिज पेरेंट्स ठीक है कि जो डॉक्टर है उसके उसने रिजवान के वालदेन को नसीहत की टू हेल्प रिजवान लर्न साइन लैंग्वेज कि वो रिजवान की मदद करें इशारों की ज़ुबान सीखने में ठीक है दस रिजवान लर्नड असाइन लैंग्वेज इन अ फ्यू वीक्स फिर रिजवान ने कुछ हफ्तों में uh, इशारों की ज़ुबान सीखी नाव ही वॉज़ वेरी हैप्पी अब वो बहुत खुश था बिकॉज ही वॉज एबल टू कम्यूनिकेट विथ हिज़ पेरेंट्स अब वो अपने वालदेन के साथ बातचीत करने के काबिल था हिज पेरेंट्स टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देर ओनली चाइल्ड उसके जो वालदेन थे वो अपने इकलौते बेटे का बहुत ख्याल रखते थे देवेज हेल्ड ऑन टू हिज हैंड दे वेंट आउट ठीक है जब भी वो बाहर जाते वो उसका हाथ थामे रखते थे अदर विलेज ऑल्सो ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड ठीक है जो बाकी गाँव वाले थे वो भी रिजवान को एक ख़ास बच्चे की तरह उसको ट्री, उसके साथ बर्ताव करते थे दिस मेड रिजवान फील अनहेप्पी इसकी वजह से रिजवान नाखुश था ठीक है हिज़ क्लोज़ फ्रेंड उसके करीबी दोस्त मुमताज़ मुमताज़ ने नोटिस रिजवान अनरेस्ट ठीक है उसने रिजवान की बेचैनी को महसूस किया ही डिसाइडेड टू सेट द थिंग्स राइट और फिर उसने फैसला किया कि वो सब चीज़ें ठीक कर देगा ही रिक्वेस्टेड हिज़ फ़ादर टू अरेंज अ फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ़ पीपल हु वुड नॉट हेयर ठीक है उसने अपने वालद से अल्तजा की ठीक है रिक्वेस्ट की कि वो एक त्यौहार को आ, अरेंज करें ठीक है उन लोगों के एजाद में जो सुन नहीं सकते ठीक है ड्यूरिंग दैट होल डे ठीक है एवरी वन इन द टाउन उस दिन आ, सारे लोग टाउन का क्या मतलब होता है कस्बा ठीक है टाउन का क्या मतलब होता है कस्बा ठीक है वुड वेयर एयर प्लग्स ठीक है वो क्या पहनेंगे एयर प्लग्स पहनेंगे ठीक है अच्छा पीपल लाइक द आइडिया लोगों को ये ख्याल पसंद आया द डे बिकेम नॉन एज द डे ऑफ साइलेंस ठीक है और उस दिन को क्या कहा जाने लगा खामोशी का दिन वेन इट arrived जब वहाँ पे सब लोग पहुँचे एवरी वन स्ट प्लगस इन देयर एयरस ठीक है हर किसी ने अपने कानों में ईयर प्लग्स को डाल दिया या चिपका दिया ठीक है दैट डे फ़िल्ड विद फन गेम्स एंड लाफ्टर ठीक है वो जो दिन था वो किस किस चीज़ से भरा था खेलों से कहकू से ठीक है और मज़े से एज द आवर्स पास्ट जो ही वक्त गुजरता गया पीपल न्यू हाउ डिफरेंट लाइफ वॉज वेन दे कुड नॉट हेयर एवरी थिंग तो लोगों को ये लोग ये जानते गए कि जब आप कुछ नहीं सुन सकते तो आपकी ज़िंदगी कितनी मुख्तल होती है येट रिजवान कुड एवरी थिंग डेट लिटल बॉयज ठीक है और रिजवान ने वो uh, सब किया जो वहाँ पर बाकी जो छोटे लड़कों ने किया द ओनली डिफरेंस वॉज दैट फर्क सिर्फ इतना था दैट uh, uh, ही कुड नॉट टॉक थ्रू ही कुड ओनली टॉक थ्रू साइन लैंग्वेज वो सिर्फ साइन लैंग्वेज के थ्रू ही बात कर सकता था ठीक है इशारों की जुबान के जरिए ही बात कर सकता था ऑन द डे ऑफ साइलेंस ठीक है खामोशी के दिन पर रिजवान वॉन वी गेम्स रिजवान ने बहुत सी खेल जीते दैट डे पीपल रियलाइज उस दिन लोगों ने महसूस किया दैट ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट जस्टल जस्ट लाइक एनी अदर लिटल बॉय और उस दिन लोगों ने महसूस किया कि गाँव में बाकी जिस तरह छोटे बच्चे हैं उससे भी रिजवान से भी वैसा ही सलूक करना चाहिए एवरी वन हैज स्पेशल टैलेंट हर किसी में कोई ना कोई खास टैलेंट uh, होता है काबिलियत होती है एंड शुड बी गिवन एन इक्वल चांस और उसको बराबर का मौका देना चाहिए ठीक है तो इसकी ट्रांसलेशन की भी समझ आ गई होगी अच्छा बच्चों उसके बाद है वाइल्ड रीडिंग व्हाट डिड द पीपल डू ऑन द डे ऑफ साइलेंस डे ऑफ साइलेंस के दिन लोगों ने क्या किया पीपल स्टक प्लेस प्लग्स इन देयर इयर्स ठीक है ऑन द डे ऑफ साइलेंस लोगों ने क्या किया लोगों ने अपने कानून में ठीक है वो प्लग um, थे ईयर प्लग्स वो चिपका दिए ठीक है the people the people stuck earplugs ठीक है इन देयर यस on the day of on the day of silence ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्या हमारे पास क्वेश्चन है पोस्ट रीडिंग कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी क्या आप इस स्टोरी का जो मुख्तिफ एंड है वो सोच सकते हैं अच्छा अ डिफरेंस एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी अ डिफरेंस एंडिंग

चिल्ड्रन uh, के दूसरे बच्चे हु मिस ट्रीटेड रिजवान जो कि रिजवान के साथ बुरा स्लूक करते थे वुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ इन डेफ परसन डेफ का क्या मतलब होता है जो बहरे होते हैं ठीक है हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल और होम ठीक है तो इसका क्या आंसर होगा कि दे शुड भी गिवन एन एक अपॉर्चुनिटी या इक्वल चांस टू कम फॉरवर्ड स्पेशली ठीक है टू कम फॉरवर्ड स्पेशली डिफरेंट एबल्ड पीपल डोंट वॉन्ट टू बी ट्रीटिड एज डिफरेंट ठीक है दे वॉन्ट टू बी ट्रीट एज इक्वल वी शुड मोटिवेट देम टू डू गुड इन लाइफ ठीक है और हमें उनका क्या हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में क्या कर सकें अच्छे काम कर सकें ना लेट्स मूव टू द पेज नंबर सिक्सटी वन यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है ठीक है ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग हमारे एंड हो गए लर्निंग द साउंड्स ठीक है हमने साउंड्स को सीखना है आर्टिकुलेट द वर्ड्स गिव हैविंग अ साइलेंट बी ठीक है इसमें जो हमने साइलेंट uh, बी के बारे में पढ़ना है ठीक है जैसे हमारे पास है सी आर यू एम बी एस क्रम्स हम इसको क्रम्स बोलते हैं लेकिन ये क्रम्स नहीं ये क्रम्स होते हैं क्रम्स बी को हम साइलेंट करते हैं बी को हम क्या करते हैं इसमें साइलेंट करते हैं ठीक है बच्चों तो आपने ये भी याद रखना है कि एम के साथ बी जब भी आता है तो उसको साइलेंट करते हैं ठीक है एम के साथ अगर बी आ जाए तो उसको हमेशा क्या, क्या करते हैं साइलेंट करते हैं अब जैसे ये क्या वर्ड है थम्ब यह थम्भ लिखा है ना टी एच यू एम बी लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे इसको हम थम्ब पढ़ेंगे बी को भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे साइलेंट कर लेंगे साइलेंट का मतलब क्या करे हो होता है कि हम बी को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे बी को हमने क्या करना है साइलेंट करना है बी को यहाँ पे नहीं पढ़ना ठीक है तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं जिसमें एन uh, के साथ बी आर है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा ओके लर्निंग टू स्पीक प्रैक्टिस द स्पीच इन द बबल्स ये जो बबल्स हैं इनमें जो हमें स्पीच थी उसको प्रैक्टिस करें द टीचर में आज द स्टूडेंट्स टू टॉक अबाउट द प्लेस दे हैव रिसेंटली विजिटेड ठीक है टीचर बच्चों से वो उस जगह के बारे में पूछ रही है जो कि ये कुछ टाइम uh, पहले या कुछ वक्त पहले uh, उस जगह से घूम फिर कर आए ठीक है हैज़ एनी स्टूडेंट रिसेंटली विजिटेड अ प्लेस डेट ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट ठीक है uh, क्या कोई बच्चा किसी ऐसी जगह से घूम कर आया है जिसके बारे में वो बात करना चाहता है ठीक है इसका आंसर है यू मे बी गिवन एज़ फॉलो ठीक है आपने इसका आंसर किस तरह से देना हैलो माई नेम इज़ दिस आपका जो नाम है जैसे माई नेम इज़ अली ठीक है येस्टे आई विजिटिड आप लिख सकते हैं फैसल मॉस या आप जहाँ से भी घूम फिर के आएँ ठीक है आप उसके बारे में लिखेंगे फैसल मॉस्क मतलब फैसल मस्जिद एस क्यू यू ई ठीक है उसके बाद क्या लिखना है कि इट इज़ वेरी पीसफुल प्लेस ठीक है इसके बारे में आई लाइक द प्लेस बिकॉज कि आपको ये जगह क्यों पसंद है किस वजह से बिकॉज इट इज़ वेरी बहुत ही पुरसकून जगह है ठीक है इट इज़ वेरी पीसफुल पीसफुल प्लेस -E -E. और आप साथ ये भी लिख सकते हैं कि द नाइट व्यू ठीक है द नाइट व्यू ऑफ फैसल मास्क इज नाइट कि जो रात का नजारा है बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही हैरान कुन है ठीक है द नाइट व्यू ऑफ फैसल मॉस्क इज अमेजिंग ठीक है अब जिस जगह से भी घूम फिर के आपने उस के बारे में इस तरह से लिखना है ठीक है लर्न टू रीड द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने फ्लुएंटली पढ़ना है ऑलवेज केयर अरेंज चैंस ऑलवेज केयर अरेंज चैंस नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 62 अच्छा रीडिंग कंफ्रियशन रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये हमने यूनिट को तो हम पढ़ चुके हैं अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उनको आंसर करना है व्हाई वाज रिजवान लाइक बाय द विलेजेस के रिजवान को विलेजेस जो थे गांव वाले थे वो क्यों पसंद करते थे ही वॉज़ लाइक बाय द विज फॉर हिज गुड मैनर्स ठीक है योर विलेज लाइक्ट हिम फॉर हिज गुड मैनर्स आप इसके लिए कुछ भी पसंद लिख सकते हैं ठीक है इसके लिए आप कोई भी आंसर मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं ठीक है ही वॉज लाइक्ट इसका क्या आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ठीक है ही वॉज लाइक्ट ही was liked बाय विलेजेस बाय विलेजेस For his good manners. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं रीजन फॉर रिजवानपीनेस तो रिजवान की नाखुशी की क्या वजह थी ठीक है इसकी क्या वजह थी इसकी वजह थी दिलेज ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड किस वजह से वो खुश था ठीक है दर इज वन वॉज अनहैप्पी बिकॉज ठीक है दर इज वन वैप्पी ना खुश था ठीक है तो ये अभी हम यूनिट में पढ़ चुके हैं कि वो क्यों ना खुश थे बिकॉज बिकॉज द विलेजेस के जो गांव के लोग थे द विलेजेस ट्रीटेड हिम ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड एज अ स्पेशल चाइल्ड ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु अरेंज द फेस्टिवल मुमताज़ एंड हिज़ फादर ठीक है तो फेस्टिवल किसने अरेंज किया था मुमताज़ और उसके फादर ने ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा मुमताज़ एंड हिज़ फादर एंड हिज फादर अरेंज द फेस्टिवल ए डब्लू आर ए एन जी ई डी अरेंज दी फर्स्ट ठीक है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वॉज द डे ऑफ साइलेंस स्पेशल डे फॉर एवरी वन क्या uh, जो uh, खामोशी का दिन था वो सबके लिए स्पेशल था इसका आंसर आएगा येस द डे ऑफ साइलेंस वॉज स्पेशल डे फॉर एवरी वन बिकॉज दे रियलाइज दैट ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर लिटल बॉय ठीक है इसका क्या आएगा यस बिकॉज यस क्वेश्चन नंबर फोर का क्या आंसर आएगा यस बिकॉज यस बिकॉज बी ई सी ए यू एस ई यस बिकॉज दे रियलाइज उन्होंने दे रियलाइज ठीक है दैट ही शुड बी ट्रीटिड किसके बारे में बात हो रही है रिजवान के बारे में ठीक है दैट ही शुड बी ट्रीट ही शुड भी शुड बी ट्रीट ही शुड बी ट्रीटिड कैसे होना चाहिए था जस्ट लाइक एनी अदर लिटल बॉय जस्ट जस्ट लाइक जस्ट लाइक एनी एनी अदर जस्ट लाइक एनी अदर लिटल लिटल बॉय ठीक है बच्चों तो ये थे आंसर्स अब अगला क्वेश्चन क्या है लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग ठीक है इसमें हमने वोकेबलरी बिल्डिंग देखनी है कि रीड द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द यूनिट विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न देम ठीक है राइट द स्लेबिक डिवीजन ठीक है जैसे हम पहले से स्लेबिक डिवीजन लिखते आए तो हमने इसकी भी क्या लिखनी है स्लेबिक डिवीजन लिखनी है ठीक है सबसे पहला वर्ड है कम्युनिकेट कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है टेल बताना या इन्फॉर्म करना मतलब बातचीत करना ठीक है तो इसका जो होगा वो कैसे होगा सी ओ एम कम ठीक है कम एम यू कम यू ठीक है नी ठीक है केट कम्युनिकेट ठीक है इसमें कितने सिलेबिक वर्ड है वन टू थ्री फोर ठीक है फोर है उसके बाद नंबर टू है फेस्टिवल ठीक है फेस्टिवल एफ ई -E एस एस ठीक है टी वल इसमें दो हैं इसमें तीन है वन टू थ्री उसके बाद है फेस्टिवल का क्या मतलब होता है फेयर गाला जेस्टर्स जेस्टर्स में कितने हैं ये लिख लेते हैं यहाँ पे जी दो हैूमेंट और बॉडी एक्शन एक्सप्रेशन ठीक है इशारे वैल्यूएल होता है ए फिर बी एल ई इसमें कितने सेलेबल्स हैं वन टू थ्री फोर ठीक है उसके बाद अवेयर है अवेयर में कितने हैं डब्ल्यू ए आर ई अवेयर का मतलब है नोइंग अबाउट फैक्ट ठीक है बच्चों तो इसमें कितने सेलेबिक वर्ड्स से? हैं टू हैं बच्चों तो आज के लेक्चर में इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो बाकी की एक्सरसाइज है हम वो कंटिन्यू करेंगे तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़